चैनल, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो जो है वो टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज मैं स्पेशली जो है वो ब्राइड के लिए बैंगल्स जो है वो शेयर कर रही हूँ। और ये जितने भी बैंगल्स है ना, ये सारे के सारे मीशो से मैंने परचेस किए हैं। तो मैं एक झलक आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, और जितनी भी लड़कियां हैं जो दुल्हन बनने वाली है, जिनकी शादी होने वाली है, वो कहीं ना कहीं जाकर के शॉपिंग कर रही हैं। और इस तरीके से जो है, ये देखिए, ये सारे के सारे जो कड़े हैं ना, ये सारे के सारे कड़े ये मीशो से हैं। और एक भी इसमें कड़ा ऐसा नहीं है जो मैंने ऑफलाइन लिया है, सारे ही कड़े मीशो से हैं। और एक और बात बता दूं कि जितने भी कड़े मैं आपसे शेयर कर रही हूं, ये कुछ महीनों पहले के कलेक्शन है मेरे, और धीरे धीरे करके ये सारे जो है वो कलेक्ट हुए हैं। और रिसेंटली जो मैंने भी परचेस किया है, तो मैं और भी कड़े मैंने परचेस किए हैं जस्ट मीशो से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ऑर्गेनाइजर बॉक्स इस तरीके का आप ले सकते हैं। अगर आपकी शादी वादी होने वाली है तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बॉक्स भी ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। तो इसकी कोड वगैरह आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये भी मीशो से है। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे न्यू कड़ा भी मैंने ऐड किया है, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये भी मैं आपके साथ में अभी शेयर करूंगी। और भी बैंगल्स है जो कि मैंने अभी नीचे रखे हुए हैं। तो बहुत सारी जो है कड़े मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि सभी मीशो से हैं। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। एंड इसके पहले मैंने जितनी भी मीशो बैंगल हॉल आपके साथ में शेयर किया है वीडियो, उन सभी वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच उन सारे वीडियोस के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे बैंगल हॉल को ना बहुत ज्यादा लाइक करते हो और आपको बहुत पसंद आते हैं। सो शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैं कैसे नहीं लेके आती मीशो बैंगल हॉल। तो ये वीडियो तो बनती ही है आप सभी के लिए। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप बैंगल हॉल लेके आइए, तो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देख लेते हैं कि कौन कौन से कड़े मैंने मीशो से इस समय परचेस किए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां सोच रही हैं कड़े वगैरह खरीदने के लिए ऑफलाइन, तो अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो बहुत ज्यादा ना उनके कॉस्ट बताते हैं, बहुत ज्यादा महंगे जो है वो उनके प्राइस बताते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई सेट बनाने के लिए बोलते हैं उनको कि मुझे शादी वाले दिन के लिए, रिसेप्शन वाले दिन के लिए मुझे सेट बनवाना है, एंगेजमेंट के लिए सेट बनवाना है, तो वो बहुत ज्यादा आपके पैसे ले लेते हैं, हजार से ऊपर आपके रेंज जाते हैं। बट अगर आप अपना खुद का सेट खुद से बनाते हो, घर पे बनाते हो, मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, सो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, वो वीडियोस को जाके चेकआउट कीजिए। मैंने सब कुछ बताया है कैसे आप चूड़ी का सेट बना सकते हैं घर पे ही, अपना ब्राइडल सेट तैयार कर सकते हैं। तो वो सारे वीडियोस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो जाके चेकआउट कीजिए। और अलग अलग चूड़ियां जो है वो खरीदिए, शॉप पे जाके बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं कि मुझे पूरा सेट बना के दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई रेंज में जाता है। तो आप अलग अलग अपना कड़े परचेस कर लीजिए, अलग अलग अपनी चूड़ियां परचेस कर लीजिए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, और अपने जो भी आप चाहती हैं अपना डिजाइन वो उसके अकॉर्डिंग आप खरीदिए एंड घर पे ही उसका सेट बनाइए। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। सो चलिए, समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो, और बहुत सारे बैंगल्स आपके साथ में शेयर भी करने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम सो एक्साइटेड आज की वीडियो में ये सारे बैंगल्स शेयर करने के लिए। तो वन बाय वन चलिए शेयर करते हैं आपके साथ में। तो सबसे पहला जो मैं छोटा बॉक्स है ना, उसी से स्टार्ट करूंगी। तो ये मेरे पास बॉक्स है, ऑर्गेनाइजर बॉक्स, एक तरह से चूड़ी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको ना कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं एंड बंद कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे यूं लगाना है एंड ऐसे करोगे तो ये खुल जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सा एक बॉक्स आपको इस तरीके से रिसीव होता है, बहुत ही प्रिटी सा है। तो इसका कोड मैं आपको दे दूंगी, टू रॉड का ये बैंगल बॉक्स है, दो रॉड का है। तो मेरे पास इसी के ना दो बॉक्सेस हैं, एक बड़े में है जो कि चार रॉड का है और एक ये दो रॉड का है। तो अब चलिए इसमें से जितने भी कड़े वगैरह हैं वो मैं वन बाय वन आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कौन कौन से कड़े हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास कड़ा है वो है पर्ल में, ये कड़ा है और इस तरीके का। सो बहुत ही सुंदर ये लगता है हाथों में डालने के बाद में। इसमें के मेरे पास और भी कड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी डिजाइन। तो ये अलग डिजाइन है, इसमें क्या है, मेरे पास इसमें के एक कड़े हैं जिसमें सिर्फ जरकन का काम है, नक का काम है, उसमें पर्ल नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये जो है कुछ अलग हटके है, इसमें पर्ल भी है एंड जरकन भी है, एक पर्ल एक जरकन ऐसे करके ये डिजाइन है और बहुत ही सुंदर है। आप किसी भी कलर की चूड़ी के साथ में इसको मिक्स एंड मैच करके पहनेंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है। तो ये है मेरा पहला कड़ा एंड हाथों में डालने के बाद ना बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। चूड़ियों के साथ आप इसको मिक्स एंड मैच करोगे तो बहुत प्रिटी लगेगा। तो ये है पहला कड़ा।
और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड जो मेरा कड़ा है वो है कुछ इस तरीके का डिजाइन, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर सा कड़ा है। सो, ये जो डिजाइन है ना, ये फ्लावर वाले डिजाइन है, इसमें ऐसा लगेगा कि फूल बने हुए हैं। तो इस तरीके के डिजाइन भी ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल आप पहन सकते हैं। सिंगल कड़ा भी हाथों में डालोगे ना तो बहुत प्रिटी लगने वाला है। सो, इस तरीके का कुछ इसका लुक आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको आप स्टाइल कर सकते हैं अपने किसी भी सूट या साड़ी के साथ में ना, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये जो है, ये है नेक्स्ट कड़ा। और चलिए बात कर रहे थे नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो कड़ा है वो कुछ इस तरीके का कड़ा है। ये आई थिंक है बहुत ही सुंदर, इसमें शाइन आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत है ना ये कड़ा, जितना कि ये कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये रियल में अगर आप इसको देखोगे बहुत ही सुंदर है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये स्टोन वाले कड़े ही इनको बोलेंगे, क्योंकि ये स्टोन जो है ना बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। तो अगर आप इनको चूड़ी के साथ में मिक्स एंड मैच, डार्क कलर की चूड़ी के साथ में, वेलवेट के साथ में, स्पेशली मैं बता रही हूँ वेलवेट चूड़ियों के साथ में, बहुत सुंदर जाएगा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, इसलिए मैंने इसको मंगवा लिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मेरे पास कुछ कड़े हैं जो कि मैंने ये वाले खरीदे हैं, और ये जो कड़े हैं ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें डिजाइन आप देख सकते हैं पूरा जरकन का काम है, एक एक कड़े पे पूरा जरकन का काम है, दो के रो में। और ये जो पूरा कड़ा है ये सीप में है, जैसे कि प्लास्टिक के ये हैं। तो इस तरीके के कड़े भी आप किसी भी चूड़ी के साथ में मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये मेरा नेक्स्ट कड़ा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो मेरे पास कड़े हैं वो बहुत ही प्रिटी से हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इसका डिजाइन है। और ये जो है पर्ल के एंड जरकन के बैंगल्स हैं, और इसमें झुमका लटका हुआ है नीचे। तो झुमके ना बहुत प्रिटी लग रहे हैं, जो आजकल कड़े जो है वो झुमके स्टाइल में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत ही प्रिटी सा कड़ा है। मैंने इसको देखा ना, मैंने इसको जस्ट तुरंत ऑर्डर कर दिया। आप चाहो तो इस तरह से दो का सेट भी मंगवा सकते हैं, आप चाहो तो चार का सेट भी मंगवा सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने ऐसे चार का सेट मंगवा लिया जस्ट आगे पीछे स्टाइल करने के लिए। तो ये है नेक्स्ट कड़े जो कि बहुत सुंदर लगते हैं चूड़ियों के साथ में। सो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो मेरे पास कड़े हैं जो कि स्पेशली जो है वो ब्राइड भी स्टाइल कर सकती हैं, एंड नहीं हो तो आप अगर सिंगल सिर्फ सूट के साथ में ऐसे डालना चाहते हैं, फिर लड़कियां डालना चाहती हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर ये कड़ा होने वाला है। पूरा मोती का ये काम है। और इसमें क्या है ना कि ये आगे की जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ये मोर की डिजाइन बनी हुई है इस तरीके से, और ये एक तरीके का ना ब्रेसलेट है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये इस तरीके से खुल जाता है यहाँ यूं आगे साइड से, ये जो है ना ये ऐसे खुल जाता है, तो आप हाथों में इस तरीके से डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है, मैंने इसको डाला था ना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। तो ये किसी के भी हाथ में इजीली जो है वो हो सकता है। देखने में तो बिल्कुल लगता है कि छोटा सा है, वो आएगा ही नहीं, लेकिन ये ब्रेसलेट है तो इसलिए बहुत ही सुंदर लगता है ये इस तरीके से। तो इसको आप ले सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही सुंदर ये कड़ा है, लड़कियों के ऊपर स्पेशली अच्छा लगेगा। सो ये है नेक्स्ट कड़ा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो मेरे पास कड़े हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, बहुत ही प्रिटी से ये भी हैं, मल्टी कलर में शाइन करते हैं, इनके शाइन जो है वो मल्टी कलर वाली है। आजकल इस तरह के कड़े भी ना मैंने मार्केट में बहुत ज्यादा देखा है, लाजपत नगर गई थी, चांदनी चौक गई थी, तो इस तरह के कड़े बहुत ज्यादा दिख रहे थे मुझे। तो ये आपको मीशो पे हो सकता है आप ढूंढना तो मिल भी जाएगा, मैंने मीशो से ले लिया है, ये मैंने लिया है लाजपत नगर मार्केट से। और इस तरीके के कड़े क्योंकि ट्रेंड में है इसलिए सब जगह मिल जाएंगे, आप कहीं भी ढूंढोगे तो इस तरीके के कड़े आपको मिल जाएंगे। तो इसका कोड मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये जो है मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है। और इसके बाद में, इसके अलावा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, जैसे इस तरीके की जो बैंगल्स है ना, ये आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि ये गोल्डन बैंगल्स है। ये भी मैंने ऑफलाइन लिया था, तो ये भी अगर आप अपने एरिया में ढूंढोगे तो इस तरीके के बैंगल्स मिल जाते हैं, जो कि साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो ये आप ले सकते हैं। एंड इसके बाद में एक और मेरे पास सेट लगाने के लिए चूड़ियों के बीच बीच में ये वाले बैंगल्स हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप चाहते हो अपने चूड़ियों के बीच बीच में सेट लगाना, इन बैंगल्स के साथ में आप लगा सकते हो, अपना एक सेट बना सकते हो चूड़ियों का, तो ये तो मस्ट हैव है, ये आपके पास होने ही होने चाहिए। तो मैं जितने भी कड़े आपके साथ में शेयर करी हूँ वो सारे ऐसे कड़े हैं जिनको आप किसी भी साड़ी के साथ मैच कर सकते हैं एंड अपना एक अच्छा सा सेट बना सकते हैं, और मस्ट हैव बैंगल्स हैं जो कि आपके पास होने ही होने चाहिए। तो इस तरीके का भी आपके पास होना चाहिए जिससे आप चूड़ियों का अपना अलग सेट बना लेंगे बीच बीच में लगा करके। तो ये है कुछ इस तरीके का। तो बॉक्स हो गया है खाली, एक बॉक्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, और इसीलिए शेयर किया है जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी शेयर किया है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बॉक्स दिखाती हूँ, जो कि
दूसरे वाले बॉक्स में से है। सो ब्राइडल की बात हो रही है एंड ब्राइडल कड़ो की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं चूड़ा सेट को कैसे भूल सकती हूँ। चूड़ा सेट जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगी, बहुत ही प्रिटी सा मैंने ऑर्डर किया है और इसको देखते ही ना प्यार आ जाता है। मतलब सच में इतना खूबसूरत है, डिजाइन वाइज भी बहुत सुंदर है, कलर वाइज भी बहुत सुंदर है, और एक ब्राइड के लिए ना मस्ट हैव बैंगल्स हैं। इस तरीके के बैंगल्स अगर आपकी शादी हो रही है तो आपके पास में होने ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है, पूरा लुक ही इनहेंस हो जाता है एकदम दुल्हनों वाला। तो कोई भी फेस्टिवल है, करवा चौथ, तीज वगैरह पे भी आप इनको पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको बाद में पहन नहीं सकते, तो उस पे भी ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो ये एक आपके पास में होना ही होना चाहिए। सो ये मैंने जस्ट ऑर्डर कर लिया है ब्राइड के लिए, एंड स्पेशली मैंने अपने सिस्टर को ये गिफ्ट भी किया है, तो उसी के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। तो ये है कुछ इस तरीके का चूड़ा सेट। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अब मेरे नेक्स्ट कड़े की। तो नेक्स्ट जो मेरे पास कड़ा है, कड़ा नहीं है, एक तरह से ये छोटे छोटे जो है वो पर्ल वाले बैंगल्स ही हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगे थे जब मैंने इनको मंगवाया था ना, तो बहुत ही सुंदर लगा था मुझे, और चूड़ियों के बीच में ऐसे डाल करके जब आप इसको स्टाइल करते हो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था गाइज, इतना ज्यादा अच्छा लगा था ना कि मैंने इसका दूसरा भी ऑर्डर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दूसरा भी मैंने इसका ऑर्डर कर लिया है। जस्ट आपको ये 12 का सेट जो है वो इकट्ठा मिलता है, एंड ये 12 का सेट मैंने अभी रिसेंटली अभी परचेस किया है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो कोई चीज आपको जब एक बार अच्छी लग जाती है तो आप चाहते हो कि कलेक्शन में और भी ज्यादा ऐड हो जाए, तो ये मुझे अच्छा ही लगा था, साथ ही साथ मैंने इसको भी ऐड कर लिया, तो बहुत सारा हो गया है मेरे पास एक तरीके से, 24 का ये पूरा सेट हो गया। सो दोनों हाथों में मैं चूड़ी का सेट बना करके इसको पहन सकती हूँ। सो ये है मेरे नेक्स्ट बैंगल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट जो मेरे पास बैंगल्स हैं वो हैं कुछ इस तरीके के बैंगल्स, जो कि ब्राइडल बैंगल एक तरह से इसको भी माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, एक तरह से हैवी कड़े में आते हैं ये, और इसमें पर्ल है, ये आप गोल्डन कलर के देख सकते हैं, एंड ये पूरा जो है वो रेड कलर का बैंगल है। छोटे छोटे से ऐसे डिजाइन इस पे बनाए गए हैं, कलाकारी की गई है छोटा छोटा, तो ये भी बैंगल मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा, चूड़ी के साथ में ना बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसके पहले मैंने आपके साथ में ना ये सारे बैंगल्स कहीं ना कहीं शेयर किए हैं और भी वीडियोस में, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो सारे वीडियोस मैंने सेट बनाकर भी दिखाया है। तो मैं इस वीडियो में यही चीजें मैं सेट बनाकर के नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, सो बस मैं आपको कड़े कड़े ही शेयर करके दिखाऊंगी, एंड सिर्फ ब्राइड्स के लिए कि वो ऑर्डर कर ले मीशो से, अगर उनको कोई भी कड़ा इसमें से पसंद आता है तो वो ऑर्डर कर सकती है। सो नेक्स्ट जो मेरा कड़ा है वो इस तरीके का पर्ल वाला कड़ा है, ये आपको 8 के सेट में मिलता है, और जितने भी कड़े मैं शेयर कर रही हूँ सबके रेट जो है ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो 300 या 400 से ऊपर जाएगा, वो सारे के सारे ना उसके अंदर में ही आएंगे। सो इस तरीके से आप सेट बना सकते हैं चूड़ियों के साथ में, इस पर्ल वाले बैंगल्स को भी, तो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं ये। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कड़ों की। नेक्स्ट जो मेरे पास कड़े हैं वो हैं इस तरीके के कड़े, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। इसमें क्या आपको ना सिल्वर तो मिलता ही मिलता है, इसमें आपको गोल्डन भी मिल जाता है, कॉपर भी मिल जाता है, तो ये दोनों कलर भी आपको इसके साथ में मिल जाएंगे। तो इस तरीके के कड़े हैं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं हाथों में जाने के बाद में, और इसके साथ भी आप चूड़ियों का सेट बना सकते हैं, चाहो तो आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं या फिर किनारे किनारे भी इसको सेट, अगर आप 4 का लेना चाहते हैं तो 4 का भी सेट ले सकते हैं। तो एक तरीके का ना ये चूड़ा सेट बन जाता है, चूड़े के सेट में ना इस कंगन को ऐड किया जाता है, मैंने देखा है कई बार, ये मैंने मार्केट में मैं गई हूं ना तो वहां पे चूड़ा मिलता है जस्ट इसी कंगन को ऐड करके, तो वो मैंने नोटिस किया था एक जगह पे। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कड़े की। नेक्स्ट जो मेरे कड़े हैं ये मिरर वाले कड़े हैं, जो कि बहुत ज्यादा शाइन करते हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, और किसी भी चूड़ी के साथ में इसको मिक्स एंड मैच करके जब आप पहनते हो ना तो बहुत ही ज्यादा एक गजब की शाइन है इसमें, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये वाले जो कड़े हैं ना ये भी मस्ट हैव है, ये भी एक कलेक्शन में होना ही होना चाहिए मिरर वाले कड़े। तो ये है मिरर वाले कड़े। इसके बाद में और भी कड़े हैं मेरे पास में इसी तरीके के। एक कड़ा है मेरे पास इस तरीके का, जो कि पर्ल वाले हैं एंड जरकन है बीच में। तो ये आई थिंक मैंने अमेजोन से लिया था, ये मीशो का नहीं है, सॉरी, ये अमेजोन से लिया था मैंने। सोचा कि मैं आपके साथ में इसको भी शेयर ही कर देती हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो ये इसकी लिंक मिल जाएगी, दूसरी वीडियो मैंने इसको शेयर किया। आप अमेजोन बैंगल्स हॉल वाली वीडियो में जब जाओगे मैं आई बटन पे दे दूंगी, या फिर मैं इस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हैं आप। तो अमेजन बैंगल्स हॉल में मैंने इसको शेयर किया है और आपको वहां से इसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलिएगा।
काफी खूबसूरत बैंगल्स हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट बैंगल जो मेरे पास है ये इस तरीके का है, जो कि ये मीशो से है और बहुत ही सुंदर सा इसमें डिजाइन बना हुआ है और जरकन का पूरा काम है। ये मैंने सिर्फ 2 के क्वांटिटी में लिया था, ये चाहो तो आप 4 के सेट में भी ले सकते हैं। और 4 वाला सेट मुझे लग रहा है ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में है, क्योंकि मैंने 2 का लिया था तो काफी पहले लिया था। सो आप 4 का सेट इसका ले सकते हैं एंड इसमें भी आपको सिल्वर टोन में मिल जाएगा। तो ये तो मैंने गोल्डन टोन में लिया है क्योंकि गोल्डन टोन मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। सो ये हो गया। अब इसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ये वाले बैंगल्स, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे। और इस बैंगल को आप ट्रेडिशनल लुक में यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई पूजा वगैरह है या फिर छोटा मोटा ऐसे पूजा टाइप का ही फंक्शन है, मंदिर जाना है, तो उस टाइप का मुझे उस ओकेजन के लिए ये काफी ज्यादा परफेक्ट लगते हैं। तो ये कंगन जो है वो पर्ल में है एंड पिंक एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है और हाथों में जाने के बाद में एकदम से हैवी लुक देते हैं। तो मैं आपको पहन के भी दिखा दे रही हूँ, एक्चुअली पहनने का टाइम नहीं है क्योंकि कड़ी बहुत ज्यादा है और वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस तरीके का कुछ इसका लुक आता है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कड़े की। नेक्स्ट जो मेरे पास कड़ा है वो है पर्ल वाला कड़ा इस तरीके का। ये भी बहुत सुंदर लुक देता है, ट्रेडिशनल लुक ये भी देता है। पूजा वूजा हो, मंदिर जाना हो तो आप ये वाले कड़े पहन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और चूड़ियों के साथ में आगे पीछे अगर आप जस्ट इसको पहनते हैं बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है नेक्स्ट कड़े और इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले शेयर करूंगी। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके के ग्रीन बैंगल्स हैं, जो कि आई थिंक जो थ्रेड वाले बैंगल्स होते हैं ना वो हैं, और बीच बीच में इसमें जो है इस तरीके से स्टोन का काम किया गया। तो इसमें आपको चाहोगे ना तो बहुत सारे कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे ऑप्शन हैं और मल्टी कलर। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जाके अपने हिसाब से जो है ना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये बैंगल्स खरीद सकते हैं एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। तो ये भी बहुत प्रिटी से हैं। एंड नेक्स्ट जो मेरे पास कड़े हैं ये हैं बहुत ही सुंदर से कुंदन वाले कड़े, जो कि बहुत प्रिटी हैं, बहुत ज्यादा प्रिटी हैं और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं ये। तो इस तरीके के कड़े ना मस्ट हैव हैं, ये आपके पास में होने ही होने चाहिए। अगर आप चाहते हो अपने कलेक्शन में कुछ अच्छे कड़े ऐड करना तो ये वाला कड़ा उनमें से एक है, बहुत ही सुंदर लुक देता है ये चूड़ियों के साथ में। सो इसको आप रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो मेरे पास बैंगल्स हैं वो कुछ इस तरीके के गोल्डन बैंगल्स हैं, जो कि ये वाले हैं और ये भी आपके पास में होने चाहिए। ये तो मेरे पास गोल्डन टोन में है, आप चाहो तो सिल्वर भी ले सकते हो इसका, लेकिन गोल्डन मुझे लगता है कि ज्यादा जो है वो साड़ियों के साथ में मिक्स एंड मैच होके आएगा। और आप चाहो तो आपके पास अगर कोई भी गोल्डन साड़ी है तो गोल्डन साड़ी के साथ में ये बहुत ही परफेक्ट लगता है। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में एक लुक आपके साथ में शेयर किया है, वट सावित्री मेकअप लुक, आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, जल्दी से जाइए वो लुक देखिए, बहुत ही सुंदर है। मैंने इन्हीं बैंगल्स का यूज किया है, बहुत ही सुंदर लुक आया है उसमें। और वट सावित्री, तो बस वट सावित्री मेकअप लुक मैंने आपके साथ में काफी सारे शेयर किए हैं, 2-3 आई थिंक शेयर कर चुकी हूं मैं। तो जाइए जल्दी से वीडियो चेकआउट कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। सो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैंगल्स की। नेक्स्ट जो मेरे पास बैंगल्स हैं, कड़े हैं, वो हैं कुछ इस तरीके के और ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं हाथों में जाने के बाद। इनका डिजाइन ही कुछ अलग है, आप देखोगे इसके डिजाइन तो आपको इस तरीके का कुछ ही दिखेगा और ऐसे है, ठीक है। जरकन का इसमें पूरा काम है और पर्ल जो है वो अंदर साइड में है, तो इसकी डिजाइन ही कुछ अलग है। ये मुझे ना बहुत ज्यादा सुंदर लगा था, तो ये भी आप ले सकते हैं, बहुत ही प्रिटी है। व्हाइट कलर में है, इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस आई थिंक मिल जाएंगे, तो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, वैसे तो मैं कोड दे दूंगी। और इसके बाद में नेक्स्ट जो कड़े हैं वो कुछ इस तरीके के पर्ल वाले लटकन बैंगल्स हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में, मतलब चूड़े के साथ में ना आप इसको लगा सकते हो और ड्रॉप होते हैं ना पर्ल ये, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं हाथों में और हल्के हल्के से बजते भी हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो दुल्हनों के हाथ में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगने वाला है, तो इसको जो है जरूर आप ऑप्शन में रख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगा ये। सो ये है नेक्स्ट कड़े। नेक्स्ट जो मेरे पास और भी कड़े हैं वो हैं इस तरीके के गोल्डन बैंगल्स, जो कि आप रेगुलर वे में यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वे में जैसे एक एक कड़ा सिंगल कड़ा डाला, वैसे तो ये ब्राइड के लिए नहीं है क्योंकि ब्राइड के लिए ऐसे सिंपल कड़े तो हो ही नहीं सकते हैं, थोड़े हैवी ही चाहिए, तो ये आप तो रेगुलर वेज में वैसे पहन सकते हो अगर पहनना है तो। तो ये है नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास बैंगल्स हैं वो कुछ इस तरीके के बैंगल्स हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये वाले जो बैंगल्स हैं ये मैंने मेरी ना
बहन के एंगेजमेंट में लिया था और मीशो से ही लिया था क्योंकि मुझे ऑनलाइन कड़े खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं ऑफलाइन कड़े नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा एक तो मुझे महंगे भी लगते हैं एंड ऑनलाइन जो है वो कड़े काफी ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, तो मुझे ऑनलाइन कड़े ही खरीदना अच्छा लगता है। मैं अभी शादी की भी शॉपिंग कर रही हूँ अपनी बहन के, तो मैं बहुत सारे कड़े ऐसे हैं जो कि मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। उनमें से ये एक कड़ा है जो कि लोगों को ना बहुत पसंद आया था, जिन भी लोगों ने देखा था तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था। इसमें झुमके लटके हुए, झुमके की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। ये थोड़े कॉपरी शेड में है, इसमें भी आपको शेड मिल जाएगा, सिल्वर में मिल जाएगा, आई थिंक गोल्डन मिल जाएगा, और बहुत ही सुंदर सा ये पूरा बैंगल है। तो ये चाहो तो आप अपने कलेक्शन में एक ऐड कर सकते हो। और इसके बाद में मेरे पास कड़े हैं जो कि हैं इस तरीके के गोल्डन कड़े, गोल्डन बैंगल्स, जो कि हर चूड़ी के साथ में अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी कलर की चूड़ी हो आपकी ना, उसके साथ में ये बहुत सुंदर लगते हैं। जस्ट आगे पीछे लगाया एंड हो गया। तो ये कुछ इस तरीके के कड़े हैं जो कि ये भी मस्ट हैव है, मतलब बहुत सिंपल से हैं, आपके सिंपल से बैंगल्स को ना बहुत ही सुंदर लुक बना देते हैं, बहुत ही हैवी बना देते हैं। तो ये है एंड देन नेक्स्ट मैं कड़े आपके साथ में शेयर करूंगी, बहुत ज्यादा हैवी कड़े हैं ये और हैवी लुक देते हैं आपके हाथों को। और पूरा जो है ये मिरर फिनिश का बैंगल है, बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी शाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रिटी हैं ये बैंगल्स। सो ये कड़े जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल भी इस तरीके से डालेंगे आगे पीछे जस्ट स्टूडियो के, तो बहुत ज्यादा अच्छा लुक आने वाला है। तो अगर आप कुछ हैवी लुक चाहते हैं तो ये वाला कड़ा जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने कलेक्शन में। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास कड़ा है वो कुछ डिफरेंट है, मतलब कुछ अलग है। ये वाले कड़े जो कि रेड में है और ये सीप के हैं, तो इसमें क्या है जस्ट आपको सिंगल ऐसे जो है आप एक एक हाथ में इस तरीके से पहन सकते हैं, जस्ट सूट वगैरह के साथ में स्टाइल कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लगे थे, दैट्स व्हाई मैंने इसको परचेस किया था। और इसमें क्या है कि आप इसको अगर जस्ट निकाल दें एंड इन दोनों कड़ों को ही सिर्फ सिंपल चूड़ी के साथ में स्टाइल करेंगे ना आगे पीछे, तो बहुत ज्यादा सुंदर लुक आएगा। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से जो है वो इधर उधर करके अपना सेट बना ही सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट कड़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास कड़ा है वो इस तरीके के कड़े हैं जो कि पर्ल के हैं, टोटल ये पर्ल के कड़े हैं और फ्लावर डिजाइन के हैं इस तरीके से। तो इसमें जो है ना आप चाहो तो दो का सेट ले सकते हैं या फिर आप इसमें चार का सेट भी ले सकते हैं, तो मैंने जस्ट दो का सेट लिया था और बहुत ही सुंदर लगते हैं, मतलब हाथों में जाने के बाद में इसका लुक भी बहुत ही प्रिटी आता है। सो ये है नेक्स्ट कड़े। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट मेरे पास बैंगल्स हैं, ये ना एक तरीके का ये भी चूड़ा सेट है जो कि मैंने आपके साथ में एक बार शेयर भी किया था। तो ये जो चूड़ा सेट है ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा बेस्ट है और ब्राइड के लिए तो मतलब पूछना ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सा ये एक चूड़ा सेट साबित होगा। और अगर नई नई शादी हुई है ना तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। तो इसमें क्या है आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं जैसे कि ब्लू, रेड, येलो, पिंक ऐसे मिल जाता है और साइड साइड में इस तरीके के हैवी कंगन भी आपको मिल जाते हैं। तो ये वाला जो चूड़ा सेट है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया था और इनको आप किसी भी फेस्टिवल पे भी स्टाइल करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लुक आएगा इसका। और अगर आप इसको सिंगल सिंगल भी ऐसे डालेंगे, जैसे कि अगर ऐसे भी डालेंगे जस्ट किनारों किनारों के कंगन को लेकर के सिंगल एक कंगन के साथ में, तो बहुत ही प्रिटी लुक आएगा, एक हैवी लुक ही अपने आप में बन जाएगा। सो ये ना मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगे थे तो इसलिए मैंने इनको खरीदा था। इनका जो प्राइस है ये थोड़ा सा इनका प्राइस जो है वो हाई जाएगा, आई थिंक 500 या 600 की रेंज में ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से मीशो से। तो ये भी मस्ट हैव है, इनको भी आप परचेस कर सकते हैं। सो दूसरा बॉक्स भी मेरा यहाँ पे होता है खत्म। अब जो है लास्ट बॉक्स मेरे पास में है, इसको मैं आपको शेयर कर दूं। तो लास्ट मेरे पास ये चूड़ियां जो है ये मैंने ली हैं। सो अभी तक तो मैंने आपके साथ में कड़े शेयर किए हैं, अब मैं चूड़ियां कुछ शेयर कर देती हूँ आपको कैसी लेनी चाहिए। देखिए बहुत सारी वैरायटी की चूड़ियां जो है वो मार्केट में है, तो एक तो वैरायटी है वेलवेट की, वेलवेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेलवेट की चूड़ियां बहुत ज्यादा प्रिटी लगती हैं, बस इनको केयर करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, पानी वानी में नहीं डालें नहीं तो खराब हो जाती है चूड़ियां। तो वेलवेट में भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, एक थोड़ी मोटे में आती है, थोड़ी पतले में आती है। तो ये जो वेलवेट की चूड़ियां पतली वाली हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं, थोड़ी सी मुझे लगता है ना महंगी भी मिलती है ये, तो मैंने
काफी जो है वो चूड़ियां ले रखी हैं वेलवेट में, जो कि बहुत अमेजिंग लगती हैं सारे कड़ों के साथ में। और चाहो तो आप मीशो पे ना एक पूरा सेट ही मिलता है बैंगल्स का, वेलवेट की बैंगल्स का, और सारे कलर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से सेट भी आप ले सकते हैं। तो उसका कोड मैंने होगा तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने मंगवाया भी था एक बार, आपके साथ में शेयर भी किया है किसी वीडियो में, तो वो जाकर के आप ले सकते हैं। काफी अमेजिंग अमेजिंग कलर भी मिल जाएंगे आपको, और कॉम्बो में वो पूरा सेट मिलता है, तो अमेजिंग डील भी होगी। तो ये है वेलवेट में चूड़ियां। अगर आप चाहो तो अपने कलेक्शन में कुछ इस तरीके की चूड़ियां ऐड कर सकते हैं, जैसे ये तो है मैट में पूरी चूड़ियां, बट इसमें बीच बीच में ऐसे ना डॉट डॉट में स्पार्कल लगे हुए हैं, तो इस तरीके की चूड़ियां भी आप खरीद सकते हैं। और आप चाहो तो एक चूड़ी ऐसी आती है जो पूरी मैट में आती है, वो भी मेरे पास कलेक्शन में है। वो मैंने अमेजोन से मंगवाया था, पूरा एक कलेक्शन था जिसमें 12 कलर्स थे चूड़ियों के, और वो भी बहुत सुंदर अमेजिंग डील थी। तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगी, या फिर मैंने बोला ना मैं लिंक दे दूंगी अमेजोन बैंगल्स हॉल की, तो उसमें आपको ये सारे बैंगल्स मिल जाएंगे देखने को। और फिर नेक्स्ट जो कलर है, मैंने इसी का कलर लिया है, कुछ ये कलर लिया है, बहुत सारे ऐसे कलर्स लिए हैं। और एक इस तरीके की चूड़ियां आती हैं जो कि थोड़ी शाइन करती हैं, ये देखिए इस टाइप की चूड़ियां, तो इस टाइप की चूड़ियां भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। इनमें शाइन बहुत ज्यादा होता है और हाथों में ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती हैं। तो ये कुछ इस तरीके की हैं, बाकी मैंने आपके साथ में सारी चीजें शेयर कर ही दी हैं। तो बस दैट्स इट, ये थे मेरे कुछ चूड़ियों के कलेक्शन जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को कीजिएगा ढेर सारा लाइक, और वीडियो को कीजिएगा शेयर, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और भी मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आने वाली हूँ शादी से रिलेटेड। और भी आपको कौन कौन से वीडियोज देखने हैं मेरे चैनल पे शादी से रिलेटेड स्पेशली, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, टाइम निकाल रही हूँ किसी तरीके से वीडियोज में। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो है मेरे सिस्टर की शादी, तो अब टाइम बहुत ही कम बचा है। तो चलिए अब मिलूंगी आपसे दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।